कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड लगातार बदल रही है, अगर इनके बयान को आप सुनेंगे तो लगातार ये देखेंगे कि ये हर रोज एक नया मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। अब तो इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा, क्योंकि तलवार अब गर्दन पर आकर रुक गई है। या तो माफी मांगेंगे या तो इस्तीफा देंगे। और क्या बड़ा फैसला ब्रिजभूषण का होगा, इस पर हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का रुतबा अब खत्म हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबी दबी आवाज से बात कर रहे ब्रिजभूषण का अब अंतिम वक्त आ रहा है। और वाकई अब कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण की वो तमाम शानो शौकत खत्म हो रही है जो अभी तक वो दिखाया करते थे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत ब्रिजभूषण शरण सिंह से। WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का रुतबा किसी बॉलीवुड कलाकार से कम नहीं है। बॉलीवुड कलाकारों की जिंदगियां, जिस तरीके के लाइफ स्टाइल उनके होते हैं, ठीक वही रुतबा ब्रिजभूषण शरण सिंह का है। घाड़ी, गाड़ी, घोड़े, बंगला, हीरा जेवरात, जमीन जायदाद सब कुछ उनके पास है, लेकिन आज कुछ भी उनको नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि आरोप ही कुछ इस तरीके का लग गया है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इस्तीफे की क्या बात है, पद भी छोड़ देंगे, लेकिन खुद को न्याय दिलवाकर, खुद को बेगुनाह साबित करके पद छोड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे, देखिए एक रिपोर्ट। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। और इनकी डिमांड